पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। फोन पर जनता की राय जानने के बाद आज केजरीवाल ने चंडीगढ़ में किया ऐलान। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भगवंत मान के समर्थकों ने मनाया जश्न। संगरूर में मान के गांव में खुशी की लहर। चुनाव से पहले अवैध रेत खनन मामले में पंजाब में ईडी ने छापे मारे। 10 जगहों पर टीम पहुंची। पंजाब के सीएम चन्नी के एक रिश्तेदार के घर भी छापा पड़ा। अपने रिश्तेदार के घर ईडी के छापे पर मुख्यमंत्री चन्नी का पलटवार, बोले हमें दबाने की कोशिश हो रही है, हम डरने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी में दागी प्रत्याशियों को टिकट देने के आरोपों पर अखिलेश यादव की सफाई, कहा बीजेपी वाले करवा रहे हैं हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे। यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव से नहीं बनी है चंद्रशेखर आजाद की बात। कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते जो उन्होंने आज तक काम किया, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के खिलाफ विरोधियों के हमले पर प्रियंका गांधी को आया गुस्सा, बोली संघर्ष करके यहां तक पहुंची हैं। बिकनी में तस्वीर वायरल करके कुछ संगठन उठा रहे थे सवाल। हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया। यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी का वर्चुअल संवाद, कहा हम महिलाओं के मुद्दे को नकार नहीं सकते। योगी सरकार महिलाओं की ताकत को दबाना चाहती है। यूपी में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के विवादित बयान पर केस दर्ज। चुनाव पर्चा भरकर नंद किशोर ने कहा था ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली। बीजेपी में यूपी की लखनऊ कैंट सीट पर फंसा है पेच। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए इस सेफ सीट से मांग रही हैं टिकट। मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में दो को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा यूपी से बीजेपी सरकार का जाना 1947 से भी बड़ी आजादी होगी। मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं। पीएम मोदी पर कथित विवादित टिप्पणी से मुश्किल में कांग्रेस के नेता नाना पटोले। मुंबई समेत कई जगह बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बोरीवली में तो जूता मारो आंदोलन चलाया। पटोले के घर सुरक्षा बढ़ाई गयी। हम महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार से मांग करते हैं क्यों कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष पर तुरंत एफआईआर दर्ज करें, और यदि एफआईआर दर्ज नहीं होता है हम सड़कों पर उतरेंगे। नाना पटोले के विवादित बयान पर बीजेपी ने राहुल प्रियंका से जवाब मांगा। संबित पात्रा बोले पंजाब में मोदी की सुरक्षा में चूक संयोग नहीं प्रयोग थी। पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ वो प्रयोग था, संयोग नहीं था।
महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का एक बयान वायरल, जिसमें वो मोदी को मारने की बात कर रहे हैं। पटोले ने अब सफाई दी, बयान पीएम मोदी पर नहीं बल्कि मोदी नाम के स्थानीय गुंडे पर था। लेकिन बीजेपी जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म करना चाहती है, उनका आधार लेकर गली के राजकारण में अपना फायदा लेना चाहती है, ये कदापि जनता सहन नहीं करेगी। अब प्रधानमंत्री पद ये देश का पद होता है, देश की गरिमा का पद होता है। ऐसे पदों को इस तरह से रास्ते पे लाना, जो बीजेपी ने धंधा शुरू किया है, उसको कांग्रेस विरोध। कौन बोल रहे हैं? आशुतोष शर्मा, बूथ अध्यक्ष बागेश्वर मंडल से उत्तरी विधानसभा। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, बूथ अध्यक्षों से फोन पर बात करके चुनावी हाल जाना। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम, मैं आशुतोष शर्मा, मैं उत्तरी विधानसभा से हूँ, बागेश्वर मंडल का बूथ अध्यक्ष हूँ। चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद भी नहीं मान रहे हैं नेता। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अभिषेक मिश्रा की बाइक रैली में भारी भीड़ आ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज की गई। कल गोवा में आम आदमी पार्टी करेगी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान, सीएम केजरीवाल पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज की। 100 करोड़ की वसूली मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आतंकी साजिश के लिए पाकिस्तान ने चीन से खरीदे आधुनिक ड्रोन। ये ड्रोन 800 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं, 15 से 20 किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है, बारिश में भी उड़ सकते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठा शख्स इन ड्रोन को वहां से उड़ाकर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस तक भेज सकता है। गाजीपुर फूल मंडी विस्फोटक मामले में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान की साजिश का शक। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हो सकती है साजिश, CCTV से तलाशे जा रहे हैं सुराग। MP के रतलाम में अपनी पत्नी से गैंगरेप का एक किसान ने लिया खतरनाक बदला। पति ने ट्यूबवेल के बटन में बम फिटकर आरोपी को धमाके से उड़ाकर मार डाला, आरोपी किसान गिरफ्तार। देश में लगातार दूसरे दिन कम हुए कोरोना के केस। कल कोरोना के 2,38,018 नए केस मिले। अब कोरोना से मौत कम करने पर जोर, कल एक दिन में 305 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में व्यापारियों पर ऑड इवन की मार जारी, नई गाइडलाइंस के खिलाफ कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। कोविड संकट को देखते हुए दिल्ली में बारी बारी से खोलनी पड़ रही है दुकानें। मध्य प्रदेश में अब शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी, शिवराज सरकार का ऐलान। शराब के बड़े ठेकों को बदलकर छोटे ठेके बनाए जाएंगे ताकि छोटे कारोबारियों को मिले फायदा। मध्य प्रदेश में फिर मंडराया बिजली संकट, राज्यों के ताप विद्युत गृहों में सिर्फ 2 दिन का कोयला ही बचा है। कोयले की सप्लाई में कमी और रबी सीजन में बिजली की ज्यादा मांग से गहराया है संकट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 200 पद के लिए पहुंचे हजारों अभ्यर्थी, भीड़ को देखकर स्वास्थ्य विभाग को गेट बंद करना पड़ा। गेट और बाउंड्री से कूदकर परिसर में दाखिल हो गए बेरोजगार युवक। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधाकर समेत 5 ढेर किए गए। नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार भी बरामद। कोलकाता में आज सिनेमा हॉल में आग लगने से मच गया हड़कंप, समय रहते आग को बुझाया गया। आग लगने की वजह की जांच जारी। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर रिपब्लिक डे की परेड के लिए तैयारियां जोरों पर। परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियों ने आज किया रिहर्सल। IPL में नई फ्रेंचाइजी लखनऊ टीम ने KL राहुल, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्क्स स्टोइनिस और युवा लेग स्पिनर रवित बिश्नोई को शामिल किया। KL राहुल बन सकते हैं लखनऊ की टीम के कप्तान। ABP News आपको रखे आगे।